ऊपर से आपको पायलट लैंप देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे लो की लाइट ऑन हो जाती है अगर बाइक स्टार्ट भी नहीं है तो। सो यहाँ पे इस बाइक की माइलेज मिलने वाली है आपको, जैसा कि आप लोग बाइक देख सकते हैं कि 160 सीसी की बाइक रेसिंग एडिशन यहाँ पे आपको स्टिकर में देखने के लिए मिल रही है जो लिख करके आ रही है। 130,500 रुपये आपको इसकी एक्स-शोरूम प्राइस आने वाली है। और ऑन रोड प्राइस की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे बाइक को स्टार्ट करते हैं, इसकी एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं। चलो गाइस वेलकम बैक टू सीके बाइकर, देख सकते हैं आपके सामने प्रेजेंट है टीवीएस की अपाची आरटीआर 160 जो रेसिंग एडिशन में आपको यहां पे आई हुई है मैट ब्लैक एंड रेड की कॉम्बिनेशन के साथ में ये बाइक आई हुई है, तो ये एक स्पेशल एडिशन हो जाती है। तो अगर आप लोग इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आप लोग को जो जानकारी मिल जाए कि इस बाइक को कहां से परचेस करना है, क्या फीचर्स आने वाली है, क्या प्राइसिंग वगैरह होने वाली है, सब मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह से बाइक की अपडेट देखने के लिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक की कलर, जो आपको एक ही कलर में आ रही है। आरएम की जो एडिशन आती है वो एक ही कलर में आती है जो ब्लैक एंड रेड कलर की कॉम्बिनेशन के साथ में होती है। आप देख सकते हैं, क्लोज से आप दिखा सकते हैं कि जो अलॉय व्हील दी गई है आपको ऑरेंज में देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे फुल जो बाइक है वो आपको मैट ब्लैक में देखने के लिए मिले, चाहिए वो मडगार्ड हो, यहाँ पे वाइजर हो, यहाँ पे टंकी जो हो या फिर इंजन कॉल हो, सब कुछ जो है आपको मैट ब्लैक में देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे ये जो साइड पैनल दिया गया है आपको थोड़ी सी कार्बन की फिनिशिंग देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पे भी कार्बन की फिनिशिंग देखने के लिए मिल रही है, बाकी ये सब जो है आपको मैट ब्लैक में देखने के लिए मिलने वाली है। और अब बात करते हैं कि ग्राफिक्स कहाँ कहाँ देखने के लिए मिल रही है क्या, तो आप फ्रंट से आ सकते हैं तो मडगार्ड पर देख सकते हैं कि आपको कार्बन की फिनिशिंग देखने के लिए मिल जा रही है इतनी, और यहाँ पर रेड कलर की स्टिकर और व्हाइट कलर की जो है आपको पट्टी ग्रे में देखने के लिए मिल रही है। बाकी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जा रही है जो 31mm का आपको सस्पेंशन इसमें आ रहा है। यहाँ पर जो है वाइजर के ऊपर आप देख सकते हैं कि स्टिकर ग्राफिक्स नहीं देखने के लिए मिल रही है, जो स्मार्ट एक्स ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है उसकी ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। बाकी ये जो चीज़ है आपको वाइजर ग्लॉसी में आ रही है, जो ग्लास दिया गया वो ग्लॉसी में आपको देखने के लिए मिल रही है। इंडिकेटर थोड़ी हार्ड में आ रही है गाइस, बाकी हेडलाइट फुल वगैरह एलईडी में आपको देखने के लिए मिल जाती है, मैं आप बाद में आपको ऑन करके दिखा दूंगा। फिलहाल यहाँ पे स्टिकर देख सकते हैं कि रेड कलर में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ पे कार्बन की फिनिशिंग के साथ में स्टिकर आ रही है और रेड कलर की पट्टी भी दी गई है। यहाँ पे जो टीवीएस का लोगो है, हॉर्स का लोगो, वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे अगर जो फ्यूल टैंक है ऊपर देख सकते हैं कि आपको सिल्वर में फ्यूल टैंक का कैप आपको देखने के लिए मिल रहा है, E20 की आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जा रही है, कार्बन की फिनिशिंग जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, रेसिंग एडिशन यहाँ पे आपको स्टिकर में देखने के लिए मिल रही है जो लिख करके आ रही है। बाकी यहाँ पे जो है कार्बन वगैरह की फिनिशिंग दी गई है, यहाँ पे अपाची बड़ी सी लिख करके आ रही है। यहाँ रियर में आते हैं तो आरटीआर 160 और हमारा इंडियन फ्लैग का जो है स्टिकर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। रियर में यहाँ पे भी जो है आपको स्टिकर दी गई है रेड एंड कार्बन की फिनिशिंग के साथ में आ रही है। ग्रैब एंड देख सकते हैं कि स्पीड में आपको देखने के लिए मिल रही है, सीट जो है आपको सिंगल में ही आ रही है। बाकी स्टिकर काफी सेम आपको इधर भी वही देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ जो है इंजन काउल के ऊपर देख सकते हैं कि टीवीएस रेसिंग का आपको स्टिकर यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जा रहा है। तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है 180mm के आपको ग्राउंड क्लियर के साथ में ये बाइक आ जा रही है। और इस बाइक की अगर टोटल वेट की बात करूँ भाई तो 147 kg के टोटल वेट के साथ में ये बाइक आ रही है। इसकी जो सीट हाइट दी गई है 780mm का आपको सीट हाइट के साथ में ये बाइक आ जा रही है। और यहाँ पे इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 12 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में ये बाइक आ रही है। टायर साइज की मैं बात कर लूँ तो फ्रंट की टायर आप यहाँ दिखा सकते हैं कि 90-90-17 की आपको फ्रंट में टायर देखने के लिए मिल जा रही है, जो 17 इंच का अलॉय व्हील दिया गया और यहाँ पे अलॉय व्हील आपको रेड कलर में देखने के लिए मिल रही है। बाकी यहाँ पे 270mm का आपको डिस्क मिल जा रहा है फ्रंट में। तो और रियर की टायर की बात कर लूँ तो रियर में आप दिखा सकते हैं कि आप इधर से आकर के यहाँ पे दिखा सकते हैं टायर साइज कि 120-70-17 की आपको टायर देखने के लिए मिल जा रही है, 220mm का आपको डिस्क इसमें भी रियर में भी आ जा रही है गाइस। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये सिंगल चैनल एबीएस के साथ में आती है। जी हाँ, यहाँ पर डुअल चैनल आपको नहीं मिलने वाली है, सिंगल चैनल एबीएस के साथ में आ जाती है। बाकी 17 इंच की अलॉय व्हील यहाँ पे दी गई है जिस पर आपको टीवीएस रेसिंग लिख करके भी आ रही है, और रेड कलर की जो है आपको अलॉय व्हील दी गई है फ्रंट और रियर दोनों में। एग्जॉस्ट यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल मफलर में आ रही है, स्टील में ये चीज़ आ रही है, प्लास्टिक नहीं है, स्टील में है। आरटीआर यहाँ पे लिख करके आ रही है, जो पहले आती थी सिल्वर में आती थी अभी ब्लैक में कर दी गई, जो बाइक फुल ब्लैक है तो ये भी आपको फुल ब्लैक में ही देखने के लिए मिल रही है। बाकी यहाँ पे जो है एमआईजी का आपको जो है हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जा रहा है, जो
दोनों साइड में आपको आ रही है, जो मोनोसॉक्स होती है वो अभी इसमें नहीं अपडेट की गई है अभी तक, हाइड्रोलिक में ही आ रहा है। बाकी फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक ही मिलता है गाइस। यहाँ पे जो सस्पेंशन दिया गया है टेलीस्कोपिक आ रही है, 30 mm का आपको जो है सस्पेंशन देखने के लिए मिल जा रहा है फ्रंट में। यहाँ पे बात कर लेते हैं इस बाइक की इंजन क्या दी गई है, तो 160 cc का आपको इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वोल्ट SOH एयर कूल FI इंजन इसमें आ जाती है। 16.4 PS की पावर दी गई है, जो 8,750 RPM तक पावर को जनरेट करती है, और 13.85 Nm का आपको टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है, जो 7,000 RPM तक पावर को जनरेट करती है। आप देख सकते हैं गाइस कि आपको इसमें किक नहीं मिलने वाली है, जो सेल्फ स्टार्ट है बस वही आपको मिलने वाला है। और इस बाइक में एक और चीज़ आपको देखने के लिए मिलने वाली है, जो स्लीपर क्लच है यहाँ पे आपको वो भी इसमें मिलने वाली है। जब राइडिंग वगैरह करते हैं तो स्लीपर क्लच का आप यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी ईजी हो जाती है ड्राइविंग में। बात करते हैं अब यहाँ पे जो है मीटर कंसोल की, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है आपको ऊपर में आपको RPM बताने वाली है, फ्यूल का आपको यहाँ बताने वाला है, स्पीडो यहाँ बताने वाला है, तीन तरह के मोड मिल जाती है। यहाँ पे जो मोड का बटन है उसे आपको देख सकते हैं कि अर्बन पे है तो यहाँ पे स्पोर्ट्स पे चली गई, यहाँ पे रेन पे चली गई, फिर अर्बन पे चली गई, तो तीन तरह की मोड मिल जाती है, रेन, अर्बन, स्पोर्ट्स मोड। गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर पोजीशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, कॉल वगैरह आएगी तो सब आपको यहाँ बताने वाला है, किलोमीटर यहाँ शो करने वाली है, बाकी गाड़ी का टाइम वगैरह यहाँ दिया गया। लाइटिंग की बात कर लूँ तो जैसे इतना इंडिकेटर का, इंजन माल फंक्शन का, ABS का और यहाँ पे पासिंग का लाइट आपको देखने के लिए मिल जाता है। इधर में आपको न्यूट्रल का लाइट, फ्यूल रिजर्व का लाइट, यहाँ पे इंडिकेटर का लाइट, यहाँ पे जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको देखने के लिए मिल रही है, उसी के बगल में आपको जो है साइड स्टैंड का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि साइड स्टैंड गिरेगी तो यहाँ पे जो लाइट है वो ऑन हो जाएगा, देख सकते हैं कि साइड स्टैंड गिरने के बाद यहाँ पे सिंबल बन के आ रहा है कुछ इस तरीके की, बाकी कुछ इस तरीके की फुल डिजिटल मीटर कंसोल आ रही है गाइस इस बाइक में। यहाँ पे TVS का आपको छोटा सा लोगो भी देखने के लिए मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इसकी स्विचेस क्या आ रही है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे येलो कलर की जो स्विच आ रही है उसमें पासिंग देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे हाई और लो के लिए। आई बटन का स्विच आप लोग यहाँ पे इससे ट्रिप वगैरह जो है कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर का स्विच, यहाँ पे हॉर्न का स्विच, हॉर्न तो काफ़ी तगड़ा आता ही, यहाँ पाची का काफ़ी हैवी मिल जाती है। बाकी इस साइड में इंजन का स्विच मिल जा रहा है, यहाँ पे मोड का जो है बटन दिया गया है, तीन तरह के मोड मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट आपको मिल जा रहा है, तो यहाँ पे बाइक को स्टार्ट करते हैं, इसकी एग्जॉस्ट की साउंड सुनते हैं, काफ़ी पावरफुल साउंड के साथ में ये बाइक तो आ ही जाती है। बाकी इसे बंद करते हैं और यहाँ पे मैं आपको इसकी लाइट वगैरह दिखा दूँ कि किस तरीके की आपको DRLs दी गई है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऊपर से आपको पायलट लाइट देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे लो की लाइट ऑन हो जाती है अगर बाइक स्टार्ट भी नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे पासिंग वगैरह जो है वर्क करने वाली नहीं है, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा बाइक को, तब जाके इसकी पासिंग वर्क करने वाली है, हाई लो काम करने वाला है। बाकी इंडिकेटर जो नॉर्मल आपको हेलोजन में आती थी वही आ रही है, हार्ड में आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे जो है नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन आपको यहाँ और नीचे की ओर में देखने के लिए मिल जाता है। रियर की टेल लाइट की अगर बात कर लूँ तो रियर में भी आपको LED का ही सेटअप देखने के लिए मिल जाती है, जो नई वाली अभी आई है वही सेटअप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। देख सकते हैं ब्रेक लेने पर कुछ इस तरीके से वर्क करने वाली है, यहाँ पे फिलहाल इसे बंद कर देते हैं। बाकी इंडिकेटर वगैरह देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके की आपको रियर में भी देखने के लिए मिल रही है। नंबर प्लेट का लाइट आपको हेलोजन में आ रहा है, यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे आ रही है गाइस। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इस बाइक की जो है माइलेज, टॉप स्पीड वगैरह क्या मिलने वाली है। तो यहाँ पे इस बाइक की माइलेज मिलने वाली है आपको, जैसा कि आप लोग बाइक देख सकते हैं कि 160 cc की बाइक आए तो इसमें माइलेज भी आपको थोड़ा कम मिलने वाला है, 40 से 45 के आपको एवरेज आराम से इस बाइक में मिल जाएगी, अगर अच्छे से आप लोग मेंटेन करते हैं, टाइम टू टाइम सर्विस वगैरह करवाते हैं तो अच्छे से मेंटेन करने पर उतनी माइलेज मिल जाती है। बाकी अगर इसकी टॉप स्पीड की बात कर लूँ तो 120-125 आराम से ये बाइक चली जाएगी, मैंने खुद ड्राइव किया है, मेरे फ्रेंड के पास है तो खुद ड्राइव किया, 120-125 आराम से स्पीड जो है इसकी चली जाती है। यहाँ पे अगर बात कर ले इसकी प्राइसिंग की गाइस, तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस आने वाली है 1,30,500 रुपये आपको इसकी एक्स शोरूम प्राइस आने वाली है, और ऑन रोड प्राइस की अगर मैं बात कर लूँ तो 1,57,900 के आसपास इसकी ऑन रोड प्राइस आने वाली है पटना बिहार में। ये मैं प्राइस बता रहा हूँ आपको, पटना बिहार की प्राइस बता रहा हूँ, आपके सिटी की अगर प्राइस जाननी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। बाकी अगर किसी तरह की जानकारी रहेगी तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर किसी अदर बाइक से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर चेकअप कर लेना, इंस्टाग्राम का नाम आपको स्क्रीन के ऊपर साइड में देखने के लिए मिल रहा होगा, तो इंस्टाग्राम पर आ जाना, मुझे DM करना, कोई भी जानकारी चाहिए तो वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह से बाइक की अपडेट और कार की अपडेट देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।